हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे जीरो चार्ट के ऊपर आपका ड्राइंग टूल्स को ऑटो सेव कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियसली भी हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए थे कि कैसे ऑटो सेव कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से बहुत सारा कमेंट आया था कि एक काम नहीं करता है। एक्चुअली ये काम करता है, शायद आप सेटिंग में कुछ चेंजेस कर दिए होंगे। तो आज का वीडियो आप फुली देखिएगा कैसे आप सेटिंग में चेंज करना है, क्या डिफॉल्ट रखना है एंड कैसे आप ऑटो सेव कर सकते हैं आपका ड्रॉइंग टूल को। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपका शायद वर्किंग नहीं। तो डिटेल्स में कवर करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है जीरोधा का, एक बार लॉग इन कर देने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक होम पेज आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक सेटिंग में चेंज करना है। आपको देखिए राइट साइड टॉप में एक ऑप्शन मिल जाएगा माई प्रोफाइल का, यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी शो कर रहा होगा सिंपल उसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा माई प्रोफाइल स्लैश सेटिंग्स का, सिंपल आप यहाँ पे माय प्रोफाइल स्लैश सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पे देखिए चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स के नीचे। आपका यहाँ पे डिफॉल्ट होगा चार्ट आईक्यू, लेकिन आपको यहाँ पे डिफॉल्ट करना है ट्रेडिंग व्यू। सिंपल आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पास में एक सर्कल का जो ऑप्शन है ना उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए अभी के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू डिफॉल्ट हो गया है। आप यहाँ पे अभी किसी भी स्टॉक का चार्ट को ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए देखिए मेरे वॉच लिस्ट में तीन स्टॉक है, एक है आईओसी। अभी के लिए मैं आईओसी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और जितना भी ट्रेडिंग टूल से अभी के लिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा ये ऑटो सेव है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। फिर से मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका कलर कर लेता हूँ ब्लू। ओके, आपका ड्रॉइंग टूल से यहाँ पे आप ड्रॉ करने के बाद टॉप में देखिए एक ऑप्शन आपको शो करेगा टिक का। ओके, इस टिक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये ऑटो सेव हो जाएगा। जब भी आप ओपन करेंगे ना ये ड्रॉइंग टूल आपको यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया एक चार्ट, मैं अभी आपको और एक चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए जैसे गेल का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हूँ मेरा, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो सेव एक था, फिर भी और दो तीन यहाँ पे ड्रॉइंग टूल में ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके बाद आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे काम करता है। एंड यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको टिक करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सेव नहीं होगा। यहाँ पे जो टिक है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो सेव नहीं होगा। अभी के लिए मैं उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए फिर से मेरा ड्रॉइंग टूल यहाँ पे सेव हो गया है और एक चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टीसीएस का। ओके, एंड यहाँ पे मैं ड्राइंग वगैरह कर लेता हूँ एंड और एक ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा ड्राइंग हो गया है। फिर से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑटो सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है ना, टिक के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देखिए तीनों चार्ट में मेरा अभी ड्राइंग टूल सेव हो गया है, लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे थे कि ये काम नहीं करता है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस विंडो को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फिर से देखिए रिफ्रेश होने के बाद अभी आप देख पाएंगे कि अभी भी ड्राइंग टूल वहां पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो चार्ट है अभी भी अवेलेबल है, आईओसी गेल टीसीएस का। तो तीनों स्टॉक का यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। पहले आईओसी का आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, जो भी ड्रॉ किया था ना यहाँ पे अभी भी है। अभी और एक दिखाता हूँ गेल का, तो आप यहाँ पे अभी गेल का देख सकते हैं, जो भी ड्रॉ किए थे यहाँ पे टूल अवेलेबल है। और एक है टीसीएस का, सारा टूल यहाँ पे अवेलेबल है जो जो भी हम ड्रॉ किए थे। इसका मीनिंग है कि जीरोधा का ऑटो सेव ट्रेडिंग टूल काम करता है। बस आपको सेटिंग में जाकर उसको ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करना है एंड जब भी आप ड्रॉ कर रहे होंगे ना किसी भी स्टॉक का चार्ट के ऊपर, इसको क्लोज करने से पहले आपको सिंपली यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा। तो शायद आप यहाँ पे मिस कर दे रहे होंगे, यहाँ पे टिक नहीं कर रहे होंगे, जिसके वजह से आपका ऑटो सेव नहीं हो रहा होगा। अगर आप एक बार इस टिक के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा डिफॉल्ट लेआउट सेव सक्सेसफुली, उसके बाद आपका ऑटो सेव हो जाएगा। आई होप कि आप डिटेल्स में समझ पा रहे होंगे और आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे आप ऑटो सेव कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।